परिवार राज सीरीज के पहले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे देश की राजनीति में आज़ादी के पहले से ही परिवार राज की नींव रखी जा चुकी थी और फिर कैसे वक्त के साथ साथ ये परिवारवाद में बदल गया। अपने आज के इस खास एपिसोड में हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति में लगभग 9 दशकों से हावी रहे शेख अब्दुल्ला के परिवार के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे घाटी की राजनीति में 90 सालों से शेख अब्दुल्ला परिवार का दबदबा कायम है और क्यों जम्मू कश्मीर की सियासत अब्दुल्ला परिवार के हाथों में ही सिमट कर रह गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवार राज पर हमारी स्पेशल सीरीज और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अब्दुल्ला परिवार की कहानी शुरू होती है झेलम नदी के किनारे बसे श्रीनगर के सौरा इलाके से। बताया जाता है उनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे, लेकिन साल 1766 में सूफी मीर अब्दुल रशीद बैहाकी के प्रभाव में आकर उनके पूर्वजों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। शेख अब्दुल्ला का जन्म 1905 में हुआ था, लेकिन उनके जन्म से 2 हफ्ते पहले ही उनके पिता शेख मोहम्मद इब्राहिम का इंतकाल हो चुका था। शेख अपने 9 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और बचपन में पढ़ाई के साथ साथ अपनी पुश्तैनी शॉल की दुकान पर भी काम करते थे। बड़े हुए तो हायर स्टडीज के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए और 25 साल की उम्र में मास्टर्स की डिग्री लेकर वापस लौट आए। उस वक्त देश भर में आज़ादी को लेकर कोने कोने में आंदोलन किए जा रहे थे। ऐसे में शेख अब्दुल्ला भी कश्मीरी मुस्लिमों के हक के लिए एक्टिव हो गए और इसी दौरान साल 1932 में चौधरी गुलाम अब्बास के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनी जिसका नाम रखा गया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। शेख अब्दुल्ला भी इस पार्टी से जुड़े और अपनी नेतृत्व कला से लोगों का दिल जीत लिया। साल 1937 आया जब उनकी मुलाकात पहली बार उस वक्त के कांग्रेस अध्यक्ष रहे जवाहरलाल नेहरू से हुई। अब्दुल गफ्फार खान ने उन्हें नेहरू से मिलवाया था। धर्म को लेकर शेख के विचार नेहरू से मिलने के बाद ही बदले थे। वो नेहरू से इतने इंस्पायर हुए कि साल 1938 में उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया। इससे कुछ मुस्लिम नेता भड़क गए। उस वक्त पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के प्रमुख रहे चौधरी गुलाम अब्बास ने तो यहां तक कह दिया कि शेख ने नेहरू को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया है और अब वो हमारे हाथ से निकल चुके हैं। इसी के साथ चौधरी गुलाम अब्बास और मीरवाइज यूसुफ शाह जैसे मुस्लिम नेताओं ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बगावत कर दी, लेकिन इसका पार्टी पर कोई असर नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुस्लिमों के अलावा दूसरे धर्म के लोग भी जुड़ने लगे। साल 1947 आया, देश विभाजन के दौर से गुजर रहा था। तब कश्मीर के सामने ये सवाल था कि वो भारत के साथ रहेगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा। इस मुद्दे पर आधिकारिक फैसला लेने के लिए कश्मीर के राजा हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला ने दिल्ली से थोड़ा समय मांगा था। हालांकि शेख धर्म के नाम पर बन रहे अलग देश पाकिस्तान के खिलाफ थे, इसलिए वो कट्टर मुस्लिम नेताओं के निशाने पर थे। ऐसा माना जाता था कि शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में विलय का 2 वजहों से विरोध कर रहे थे। पहली वजह थी नेहरू के साथ उनकी दोस्ती। शेख मोहम्मद अली जिन्ना की राजनीति को पसंद नहीं करते थे और दूसरी बड़ी वजह थी कश्मीर पर पंजाबी मुस्लिमों के कब्जे का डर। तो इन सबको देखते हुए ही उन्होंने धर्मनिरपेक्ष भारत में जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष दर्जे का समर्थन किया था। विभाजन के बाद अक्टूबर महीने में पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और जमकर उत्पात मचाया। इस हमले के बाद कश्मीर के राजा हरि सिंह की आंखें खुली और उन्होंने भारत में विलय का फैसला लिया। नेहरू के दोस्त शेख अब्दुल्ला ने भी हरि सिंह के फैसले का समर्थन किया। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू शेख अब्दुल्ला को दिल्ली और कश्मीर के बीच पुल की तरह मानते थे, इसलिए उसी साल नेहरू ने हरि सिंह पर दबाव डालकर शेख को कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवा दिया। इनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि कश्मीर पर कोई फैसला लेना होता था तो नेहरू शेख अब्दुल्ला से बात जरूर करते थे। लेकिन जल्द ही एक बड़ी घटना हुई। लेखक एजी तौरानी अपनी किताब आर्टिकल 370 अ कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लिखते हैं, 31 जुलाई 1953 को नेहरू ने एक नोट शेयर किया था जिसे उनके प्राइवेट सेक्रेटरी एमओ मथाई ने रिकॉर्ड किया था।
इस नोट में नेहरू कश्मीर की सदर रियासत को राज्य में चल रही अनियमितताओं के चलते कुछ लोगों को पद से हटाने की बात कहते हैं। इसके एक हफ्ते बाद नेहरू एक पत्र लिखते हैं और कश्मीर के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को पीएम पद से हटाकर बख्शी गुलाम मोहम्मद को प्रधानमंत्री बनाने की बात कहते हैं। इसकी वजह शेख अब्दुल्ला की देश विरोधी नीतियां मानी जाती हैं, क्योंकि शेख 1947 से 1953 के बीच कई बार कश्मीर को आजाद मुल्क बनाने की बात कह चुके थे। अब जब शेख को पद से हटाया गया तो उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। 11 साल जेल में रहने के बाद अप्रैल 1964 में शेख अब्दुल्ला को रिहा किया गया। तब तक वो कश्मीर की आजादी की बात भूल चुके थे। जेल से बाहर आने के बाद एक दिन 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू ने शेख को कश्मीर मसले पर जनरल अयूब खान से बात करने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके भेजा। उन दिनों नेहरू की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इस बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से उर्दू के मशहूर शायर हफीज जालंधरी भी पहुंचे थे। मुलाकात के बाद हफीज जालंधरी ने भारत की मीडिया से बात करते हुए कहा कि आजादी के बाद भारत को नेहरू जैसे नेता मिले ये सौभाग्य की बात है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य था कि हमने जिन्ना और लियाकत को जल्दी खो दिया। अब नेहरू जाने वाले हैं तो आप भी हमारे ही स्तर पर आने वाले हैं। इसी बीच वो मनहूस खबर आ गई जिसकी भारत ने कल्पना भी नहीं की थी। उसी दिन दोपहर 2 बजे नेहरू के निधन की खबर आई। ये खबर मिलते ही हफीज जालंधरी को अपने बयान पर बेहद अफसोस हुआ, लेकिन जालंधरी को समझाते वक्त शेख अब्दुल्ला उनके गले लगकर खूब रोए। नेहरू के निधन के बाद पाकिस्तान असेंबली में शोक व्यक्त किया गया और पाकिस्तानी झंडा शोक में आधा झुकाया गया। अब बात जम्मू कश्मीर में आगे बढ़े परिवारवाद की। बताया जाता है कि शेख अब्दुल्ला की बेटी खालिदा उनके काफी करीब थी, लेकिन जब राजनीतिक विरासत सौंपने की बात आई तो शेख ने बड़े बेटे फारूक अब्दुल्ला को चुना, जो कि उस वक्त डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए लंदन गए हुए थे और वहीं उन्होंने एक ब्रिटिश महिला से शादी करके वहां की नागरिकता ले ली। लेकिन परिवार चाहता था कि फारूक को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो उन्हें 1975 में वापस बुला लिया गया। शेख ने फारूक को बताया कि वो पार्टी की जिम्मेदारी नौजवान हाथों में सौंपना चाहते हैं। उन्होंने फारूक को समझाया कि तुम एक डॉक्टर से कहीं ज्यादा राजनीति में आकर देश और लोगों की सेवा कर सकते हो। जैसे तैसे फारूक मान गए। साल 1982 में पिता शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए फारूक को टिकट दिया। वो चुनाव लड़े और जीत गए और इस तरह अब्दुल्ला परिवार की दूसरी पीढ़ी ने राजनीति में कदम रखा। इसके साल भर बाद ही शेख ने बेटे को पार्टी की जिम्मेदारी सौंपने का मन बना लिया था और 21 अगस्त 1981 को उन्होंने फारूक की शर्ट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैज लगाकर उन्हें पार्टी की विरासत सौंप दी। अभी फारूक अब्दुल्ला पूरी तरह राजनीति के दांव पे सीख ही रहे थे कि सितंबर 1982 में शेख अब्दुल्ला का निधन हो गया। इसके बाद पार्टी और राज्य की सत्ता में काबिज होने के लिए फारूक अब्दुल्ला, उनकी बहन खालिदा और बहनोई के बीच सियासी जंग शुरू हो गई। उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे जगमोहन मल्होत्रा ने अपनी किताब माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर में एक सियासी घटना का जिक्र किया। वो लिखते हैं, 1 जुलाई की देर शाम फारूक के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह ने उन्हें जानकारी दी कि 12 विधायकों का एक गुट उनके साथ है। वो फारूक की सरकार से समर्थन वापस लेकर इंदिरा की कांग्रेस के साथ सरकार बनाना चाहते थे। उस वक्त राज्य के कद्दावर नेता देवीदास ठाकुर भी शाह को ही मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते थे। अगली सुबह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के गुपकार रोड स्थित अपने आवास पर पत्नी मौली के साथ चाय नाश्ता कर रहे थे, तभी फोन की घंटी बजी। अब्दुल्ला ने फोन उठाया तो संदेश मिला कि राज्यपाल जगमोहन मल्होत्रा आपसे फौरन मिलना चाहते हैं। फारूक जल्दी से तैयार होकर पूरे काफिले के साथ राजभवन पहुंचे, जहां राज्यपाल पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। फारूक के पहुंचते ही राज्यपाल ने उन्हें एक चिट्ठी सौंप दी, जिसमें लिखा था, आपने विधानसभा में ज्यादातर विधायकों का विश्वास खो दिया है, इसलिए मुझे आपको बताते हुए खेद हो रहा है कि मैंने आपको राज्य के मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। आपके नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद को भी भंग कर दिया है।
चिट्ठी पढ़ते ही फारूक की नज़र वहां मौजूद अपने बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह पर पड़ी। शाह के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के 12 विधायक भी राजभवन में मौजूद थे। सियासी खींचतान के चलते ये पूरी साजिश उन्हीं की रची हुई थी। ये सब देखते हुए फारूक आग बबूला हो गए। उन्होंने अपने बहनोई की तरफ इशारा करते हुए राज्यपाल से कहा, आपको जो ठीक लगे वो करो, लेकिन इस आदमी को मुख्यमंत्री मत बनने दो। फारूक अब्दुल्ला ने राज्यपाल जगमोहन से विधानमंडल बुलाकर सदन के पटल पर बहुमत परीक्षण कराने की मांग की। इस मसले पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से बात की गई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला और राज्यपाल ने अब्दुल्ला सरकार बर्खास्त कर दी। 2 जुलाई की उसी शाम कांग्रेस और बाकी लोगों के समर्थन से गुलाम मोहम्मद शाह ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वक्त तेजी के साथ गुजरा। 1996 के चुनाव में अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की और अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में उमर अब्दुल्ला की राजनीति में एंट्री हो गई। अपने पिता की तरह ही उमर भी शिक्षा के लिए लंबे समय तक विदेशों में रहे थे, लेकिन पार्टी को मिली प्रचंड जीत के बाद उन्होंने राजनीति के बारे में सोचना शुरू किया। वो कहते हैं, मैं अपने दादा के साथ ईदगाह जरूर जाता था, लेकिन कभी किसी राजनीतिक रैली में नहीं गया। और जब मैं छोटा था तो मेरे दादा ने कभी मुझसे राजनीति के बारे में बात भी नहीं की। फारूक ने बेटे उमर को 1998 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से टिकट देकर लोकसभा का चुनाव लड़वाया और पहले ही चुनाव में जीतकर उमर केंद्र में मंत्री बने। साल 2001 में केंद्र की एनडीए सरकार में वो देश के सबसे कम उम्र के विदेश मंत्री बने थे, लेकिन 17 महीने बाद ही दिसंबर 2002 में उन्हें विदेश मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसी साल उमर अब्दुल्ला को उनके पिता फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। 2002 में हुए विधानसभा चुनाव में उमर गांदरबल से चुनाव लड़े और हार गए। फारूक ने एक इंटरव्यू में बताया, वो कभी उमर को राजनीति में नहीं लाना चाहते थे। मेरे पिता ने भी मुझे राजनीति से दूर रहने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि एक बार जब तुम इस नदी में कूदोगे तो या तो इसकी धारा के साथ बहने लगोगे या धारा से लड़ोगे, आप कभी इससे बाहर नहीं निकल सकते। फारूक कहते हैं कि उन्होंने भी उमर को राजनीति में न आने की सलाह दी थी, लेकिन उमर नहीं माने और राजनीति में आ गए। अब जब दोनों बाप बेटे राजनीति में एक्टिव थे तो एक समय ऐसा भी आया जब दोनों ही राज्य के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और ये बात है साल 2008 की, जब विधानसभा चुनाव में पार्टी के ज्यादातर सीनियर नेता चाहते थे कि फारूक अब्दुल्ला सीएम बने। उस चुनाव में फारूक को 2 विधानसभा सीटों से एक साथ जीत मिली थी। अब्दुल्ला परिवार फिर से फारूक को सीएम बनते देखना चाहता था, खुद फारूक भी यही चाहते थे, लेकिन उनकी पार्टी का एक धड़ा ऐसा भी था जो उमर को सीएम के तौर पर देखना चाहता था। वरिष्ठ पत्रकार मुजम्मिल जलील की माने तो उमर को सीएम बनाने के लिए उनकी माँ मौली अब्दुल्ला ने मोर्चा संभाला था। मौली ने ही फारूक से बात करके अगली पीढ़ी के हाथ में सत्ता देने की बात कही थी। तो इस तरह जनवरी 2009 में शेख अब्दुल्ला की तीसरी पीढ़ी के उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। अब बारी अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी की थी। हालांकि चौथी पीढ़ी ने अभी तक राजनीति में कदम नहीं रखा है, लेकिन आसार पूरे लग रहे हैं। बात साल 2009 के अक्टूबर महीने की है। जम्मू कश्मीर सरकार का एक विमान सीएम आवास पर खड़ा था, तभी एक 6 साल का बच्चा वहां आया। पायलट बच्चे से पूछता है, तुम विमान उड़ाना सीखोगे? बच्चा झट से जवाब देता है, मैं सीखूंगा, लेकिन मैं पायलट नहीं एक नेता बनना चाहता हूँ। और वो छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे उमर अब्दुल्ला का बेटा जहीर अब्दुल्ला था। अपने पिता और दादा की तरह ही जहीर का जन्म भी एक राजनीतिक विरासत वाले माहौल में हुआ था। लंदन की वेस्टमिनिस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की पढ़ाई करके जहीर अब्दुल्ला दिल्ली लौट आए हैं और फिलहाल लॉ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का अब्दुल्ला परिवार का इतिहास रहा है उससे पता चलता है कि आज नहीं तो कल इस राजनीतिक परिवार की चौथी पीढ़ी भी राजनीति में एंट्री जरूर ले सकती है। तो फिलहाल आज के शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।